वरिष्ठ कवि आदरणीय देव कृष्ण व्यास की उपस्थिति किसी कवि सम्मेलन की सफलता की जमानत हुआ करती है। वे देवास मध्य प्रदेश से हमारे बीच में आए हैं, उनका ये क्रम नहीं है, लेकिन जब पराक्रम की बात होती है तो क्रम निर्धारण करना भी बहुत कठिन हुआ करता है। मैं बहुत आदर और सम्मान के साथ दादा से सविनय निवेदन करता हूँ कि वे आएं और मणिका ने जहाँ इस मंच को पहुँचाया उसको और ऊंचाई पर वो अपने काव्य पाठ से, अपने ओजस्वी काव्य की धारा से और इसको आगे प्रवाह मान करें। आदरणीय दादा देव कृष्ण व्यास जी, चलती सांसों में चक्र का निशान जिंदा है, शीश ऊंचा तो समझो स्वाभिमान जिंदा है, और हमारे तन पे तिरंगा नहीं तो क्या करना, हमारी जान में हिंदुस्तान जिंदा है। भव्य मंदिर का निर्माण हो गया, रामलला विराजित हो गए, तो फिर तो प्रार्थना ही बचती है। पंक्तियां देखिए, मैं उन को याद कर रहा हूं जिनके कारण यह उत्सव मन रहा है। उन हुतात्माओं को प्रणाम करते हुए कुछ पंक्तियां, शाम का समय है, मंदिर की घंटियां बज रही है। उन माताओं की भी ममता, उन माताओं की भी ममता कम नहीं कौशल्या से, जिनके लाल बलिदान हुए और लौटे नहीं अयोध्या से। क्या कहने दादा, वाह 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 वाह। उन माताओं का भी दर्जा कम नहीं कौशल्या से, जिनके लाल बलिदान हुए और लौटे नहीं अयोध्या से। हाथों में थी धर्म ध्वजा और सीने में गोली थी, लब पर थी मुस्कान, जुबां पर राम नाम की बोली थी। पहना था केसरिया बाना, बने राम के दीवाने, परम ज्योति में लीन हो गए बन करके वो परवाने। जब जब मंदिर जाएंगे हम, बहुत याद वो आएंगे, राम लला की आंखों में हम उनके दर्शन पाएंगे, राम लला की आंखों में हम उनके दर्शन। क्या कहने दादा, राम लला की आंखों में हम, जहाँ राम लला की किलकारें थी, मैं साक्षी हूँ, जहाँ राम लला की किलकारें थी, गूंजी थी चित्कार वहाँ, पग पे जन का शोर नहीं मची थी हाहाकार वहाँ, जिस हवा में कौशल्या की ममता ने लोरी गाई थी, मातम था उस धरती पर शासन की तानाशाही थी, राम नाम का सागर था वह, कार सेवक मीन हुए मन में ज्योति लिए, राम की चिर ज्योति में लीन हुए, मन में ज्योति लिए राम की चिर ज्योति में लीन हुए। वह बालक ही पवन पुत्र था, वह बालक ही पवन पुत्र था, मैं नाम ले रहा हूँ, आप स्मरण करना। वह बालक ही पवन पुत्र था जिसने झंडा फहराया, वह बालक ही पवन पुत्र
शस्त्र था जिसने झंडा फहराया, स्वाभिमान था वही हमारा जो वह ऐसा कर पाया। उस बालक को नमन करोड़ो, धन्य धन्य उसकी माता, भारत माता भी पछताती जो वह यह ना कर पाता, जो वह यह ना कर पाता। भारतवासी याद रखेंगे उसकी इस कुर्बानी को, रोएगा हर बार सनातन सुन सुन करके कहानी को, रोएगा हर बार सनातन सुन सुन करके कहानी को। अनगिन ये क्या हूँ राम सुमरा भाई साहब, कब से प्रतीक्षा थी हमारी, अनगिनत बलिदान हुए तब यह पावन अवसर आया, अनगिनत बलिदान हुए तब यह पावन अवसर आया। सभी आत्मा परम आत्मा, सभी आत्मा परम आत्मा, नहीं रही नश्वर काया। क्या मन में उनके भाव थे दादा, कमाल है, अद्भुत। कि नींव के पत्थर बन जाए बस, नींव के पत्थर बन जाए बस, हमें कलश की चाह नहीं, कंटक पथ पर सदा चले हैं, फूलों वाली राग नहीं। नहा लिए वो खून से अपने, अश्रु से श्रृंगार करो, श्रद्धा सुमन चढ़ा कर उनको, नमन भी बारंबार करो, श्रद्धा सुमन चढ़ा कर उनको, नमन भी बारंबार। और जैसा मैंने कहा, राम जी पे इतना लिखा गया, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कहां से प्रारंभ करूं। अप्रतिम है आपकी सर्जनात्मकता, लेकिन एक कविता छोटी। स्वागत है दादा, कृपा करें दादा। आज यहां पर और कुछ निकल नहीं रहा है, इसलिए मैं अभय निर्भी भाई को, मेरा छोटा भाई, ये बहुत प्यारा है, हमारे मध्य प्रदेश में तो जहां यहां ये पहुंच जाते हैं इनके नाम पे 5-10 हजार लोग आ जाते हैं। वही प्लाट ले लो, वही रहना शुरू कर दो, वही कहीं फ्लैट ले लो, इतना जब देखो तब मध्य प्रदेश में व्यस्त रहते हैं। हमने तो कई बार कहा कि निर्भीक भाई वहीं फ्लैट ले लो। ना सुबह लिखूं पंक्तियां देखो, ना सुबह लिखूं, ये कविता मंच पे नहीं पढ़ता, मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ। राम जी बैठे हैं और अगर राम जी उपस्थित है तो फिर पूरा विश्व उपस्थित ऐसा मान के प्रणाम करता हूँ। यकीनन ना सुबह लिखूं ना शाम लिखूंगा, और न चारों धाम लिखूंगा। वाह, अरे मुझको दे दो कोरा कागज, हाँ मुझको दे दो, मुझको दे दो, मुझको दे दो कोरा कागज, उस पर केवल राम लिखूंगा। न सुबह लिखूं ना शाम लिखूंगा, और न चारों धाम लिखूंगा। ए मुझको मुझको दे दो कोरा कागज, उस पर केवल राम लिखूंगा। न सुबह लिखूं ना शाम लिखूं, वैसे तो होती कई संज्ञाएं, वैसे तो होती कई संज्ञाएं, वैसे तो होती कई संज्ञाएं, अनगिनत इनकी संख्याएं, कोई भी परिपूर्ण नहीं है, है भी तो इतनी गूढ़ नहीं है। वाह, अल्प विराम नहीं लूंगा मैं, अल्प
अल्प विराम नहीं लूंगा मैं, केवल पूर्ण विराम लिखूंगा। न सुबह लिखूं न शाम लिखूंगा, और न चारों धाम लिखूंगा। मुझको दे दो कोरा कागज, उस पर केवल राम लिखूंगा। तो ये कविता बहुत, मैं देख करके पढ़ा क्षमा चाहूंगा। मैं जो कविता पे रटी रटाई कविता पढ़ता हूँ वो याद नहीं पढ़ रहा। न सुबह लिखूं न शाम लिखूंगा, और न चारों धाम लिखूंगा। अब पंक्तियां देखना भाई साहब, जल्दी बैठ जाइए, आइए, स्वागत है भैया, बैठ जाइए जल्दी। अगर मैं चाहूं तो एक पंक्ति पे पूरा ग्रंथ हो सकता है, यकीनन इसका वर्णन हो तो। जी जी, लेकिन पंक्तियां देखे, संकेत में बात कर रहा हूं। वाह वाह वाह, जिनके रोम जिनके रोम रोम में मर्यादा, जिनके रोम रोम में मर्यादा, जिनके रोम रोम में मर्यादा, मनु होते जिनके परदादा। मनु होते जिनके परदादा, इस सृष्टि के आधार है जो, यकीनन हुए प्रलय से पार है जो, हुए प्रलय से पार है जो, हम सब जिनकी है संताने, हम सब जिनकी है संताने, उनको ही प्रणाम लिखूंगा। न सुबह लिखूं न शाम लिखूंगा, और न चारों धाम लिखूंगा। सद ग्रंथों का सार यही है, सद ग्रंथों का सार यही है, महिमाओं का पार नहीं है, महिमाओं का पार नहीं है। 33 कोटि जिनकी गिनती है, 33 कोटि इनकी गिनती है, क्षमा सहित सबसे विनती है। 84 का छोड़ के चक्कर, 84 का केवल मैं परिणाम लिखूंगा। दादा ये 84 का चक्कर अद्भुत प्रयोग, वाह 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 वाह, 84 का चक्कर कमाल है। और न चारों धाम लिखूंगा, वाह वाह वाह, 84 जो त्याग के बने उदाहरण, हाँ जो त्याग के बने उदाहरण, इससे बड़ा कोई उदाहरण तो बता देना। जो त्याग के बने उदाहरण, जो जो त्याग के बने उदाहरण, किया वेश वनवासी धारण, किया वेश वनवासी धारण, जो रावण के संहारक है, जो दीन दुखी के रक्षक है, दो अक्षर ही काफी है बस, ग्रंथ न कोई तमाम लिखूंगा। न सुबह लिखूं न शाम लिखूंगा, और न चारों धाम लिखूंगा। जो नारायण नरोत्तम है, जो नारायण, जो नारायण नरोत्तम है, जो परम ब्रह्म पुरुषोत्तम है, जो परम ब्रह्म पुरुषोत्तम है, राम बसे हैं रोम रोम में, राम बसे, राम बसे हैं रोम रोम में, छाए हैं वो अखिल व्योम में, कभी नहीं ये कलम रुकेगी, उनको आठो याम लिखूंगा। न सुबह लिखूं न शाम लिखूंगा, और न चारों, बहुत संक्षिप्त कर रहा हूं इस गीत को। वाह, मैं क्योंकि लंबी टीम है, पंक्तियां देखिए। स्वागत, वाल्मीकि तुलसी का चिंतन, वाल्मीकि तुलसी का चिंतन, वाल्मीकि
तुलसी का चिंतन उनके आगे मैं अकिंचन। वाल्मीकि तुलसी का चिंतन उनके आगे मैं अकिंचन। रामचरित हो या रामायण, रामचरित हो या रामायण, नित्य करूं उनका पारायण। कसम राम की सतत लिखूंगा, कभी नहीं विश्राम लिखूंगा, न सुबह लिखूं न शाम। और अंतिम पंक्ति, ये तो शानदार है बाबा। मैं कैसे राम और शिव को जोड़ रहा हूं, आपको प्रणाम करता हूं। पंक्तियां पूरा मंच का साथ, स्वागत है दादा। राम शिव के हे अनुयायी, राम शिव के है, राम शिव के हे अनुयायी, समन्वय किया है बाबा। शंकर ने राम की महिमा गाई, शंकर ने राम की महिमा गाई, दोनों एकाकार हुए हैं, दोनों एकाकार हुए हैं, दोनों एकाकार हुए हैं, शक्ति के अवतार हुए हैं, दोनों मिलकर है रामेश्वर। दोनों मिलकर उनको आठो याम लिखूंगा, न सुबह लिखूं न शाम लिखूंगा, और न चारो धाम लिखूंगा। मुझको दे दो कोरा कागज, उस पर केवल राम लिखूंगा, न सुबह लिखूंगा।